एवरीवन, मैं जानकी, स्वागत है आपका जानकी बेबी केयर चैनल में। आप कैसे हैं प्यारा सा कमेंट लिख के जरूर बताइए। आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी रूम में बेबी को डिलीवर करते टाइम कितने पुश लगाने पड़ते हैं, कितने बार पुश करने से आपका बच्चा बाहर आता है, कितने सेंटीमीटर बच्चेदानी के मुँह खुलने से बच्चा जल्दी बाहर आता है, कैसे पुश करना चाहिए, ऐसा हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत खास है ये। एक बार ही वीडियो को देख लेंगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। सबसे पहली चीज़ तो मैं बात करती हूँ बच्चेदानी का मुंह। जब तक आपके बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर ओपन नहीं होता, तब तक आपको नॉर्मल डिलीवरी रूम में यानी लेबर रूम में शिफ्ट नहीं किया जाता। लेबर रूम में जब 10 सेंटीमीटर आपके बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, तब आपको लेबर रूम में शिफ्ट किया जाता है। इसके बाद आपको पुश करने के लिए आपको पुश करना है। सबसे पहले से तो जब आपको कॉन्ट्रेक्शन आए, जब आपको दर्द स्टार्ट हो, तभी आपको पुश करना है। बिना दर्द के आपको पुश बिल्कुल भी नहीं करना है। और पुश दर्द पता है नॉर्मल तो होता नहीं है। कुछ दर्द जैसे आपको 5 मिनट के लिए 5-5 मिनट में रुक रुक के आएंगे, जैसे 5 मिनट में 2 मिनट दर्द रहेगा, इसके बाद रुक जाएगा। तो जैसे ही दर्द आए स्टार्ट होता है, आपको नाक से सांस लेनी है और मुंह से छोड़ना है। ऐसा आपको कई बार करना है। ऐसे कई बार करने से आपको पेट में दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका बच्चा जो है आप पेल्विक एरिया से बाहर आने की कोशिश करेगा। उस टाइम पे आपको ऐसे कॉन्ट्रेक्शन आएंगे, फटाफट से कॉन्ट्रेक्शन आएंगे, उस टाइम पे आपके बच्चे का बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। तो यदि आपकी पहली डिलीवरी है तो आपको 8 से 10 बार पुशअप करने पर बच्चा बाहर आ जाता है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चेदानी के जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग रहती हैं, टाइट रहती हैं, तो ज़्यादा पुश करना पड़ता है। और पहले डिलीवरी के टाइम टाँके भी लग जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले डिलीवरी के टाइम बहुत सारे लेडीज़ों का, यदि आप बच्चे का वजन 2.5 किलो या 3 किलो के अबव है, तो कम से कम 4-5 टाँके लगते हैं। इससे ज़्यादा वजन है 3 किलो, 3.5 किलो, तो 8 से 10 टाँके लगते हैं। कई बार तो पेशेंट ऐसे होते हैं कि मना करते हैं बार बार कि हमें टाँका नहीं चाहिए, हमारा बच्चा आसानी से बाहर आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, आपको मना कर यदि आप मना करती हैं तो कई बार गलत जगह से फट जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और बहुत ज़्यादा फट जाता है। तो यदि आप टाँके लगवा लेते हैं तो 4 से 5 टाँके आएंगे। और टाँके लगाते टाइम मतलब काटते टाइम, कट देते टाइम वहाँ लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। लोकल एनेस्थीसिया की कई जगह सुविधाएं नहीं होती, तो आप पहले से जब डिलीवरी होने से पहले से जब आप विजिट करती हैं उस हॉस्पिटल में, तो आप एक बार बात कर लीजिए कि यहाँ सुविधा है कि नहीं। बहुत सारी ऐसे पेशेंट भी हैं, बहुत सारी ऐसे लेडीज़ भी हैं जो बताती हैं कि हमें एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। तो जो गाँव से रिलेटेड हॉस्पिटल होती हैं, जैसे तहसील लेवल पर या फिर गाँव की प्राइमरी हॉस्पिटल होती हैं, उनमें ये सुविधा नहीं होती। तो आपको बात कर लेनी है कि सुविधाएं हैं कि नहीं। और टाँके लगाते टाइम भी आपको वहाँ सुन किया जाता है, इसके बाद टाँके लगाए जाते हैं। जब आपका बच्चा बाहर आ जाता है, इसके बाद आपके प्लेसेंटा को भी बाहर किया जाता है। प्लेसेंटा जैसे ही बाहर आता है, इसके बाद से आपको फिर वहाँ स्टेचेस लगा दिए जाते हैं और आपको सब हो जाता है। सुस्त, आप बहुत ज़्यादा सुस्त फील करती हैं, उस टाइम पर आपको आराम करने के लिए बोला जाता है। उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, उस टाइम पूरा शरीर एकदम थक लस्त हो जाता है। उस टाइम आपको जब जो एनर्जी है वो भी ख़त्म हो जाती है, तो उस टाइम आपको बहुत ज़ोर की भूख लगती है। तो सब खाने पीने के लिए सारी चीज़ें अलाउ कर देते हैं, लेकिन लिक्विड वाली चीज़ आपको खाना है। पहली डिलीवरी है तो उसमें टाँके आते हैं, दूसरी डिलीवरी भी है तो आप थोड़ी लिक्विड वाली और गुनगुना, जैसे चाय हो गया, गुड़ की, वैसी चीज़ों का सेवन कराया जाता है। तो आप नॉर्मल डिलीवरी के टाइम स्टार्टिंग से ही डिलीवरी होते ही होने के बाद सब कुछ अलाउ कर देते हैं, और इसके बाद आपके बच्चे को 1 से 1.5 घंटे के बाद फीड करने के लिए बोला जाता है। तो जैसे फीडिंग कराएंगे और आपको 24 से 48 घंटे के बाद आपको जो वहाँ से छुट्टी कर दी जाती है। तो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ही मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, घबराना नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। मन में इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।